भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कोरोना काल में लोगों की मदद के बजाय कार्यालय बनाने में लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी के पास इसके लिए धन कहां से आया इसकी जानकारी मांगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान ये आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश में कोरोना काल में लोगों की मदद के बजाय कार्यालय बनाने में लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी के पास इसके लिए धन कहां से आया इसकी जानकारी मांगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान ये आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 तारीख को वर्चुअल माध्यम से 6 जगह पार्टी कार्यालयों की नींव रखेंगे। बीजेपी पूरे देश में सभी जिलों में कार्यालय बना रही है। भाजपा मुख्यालय 5 सितारा से अधिक है, जिसके खर्चे की जानकारी आरटीआई से भी नहीं मिल रही है। ऐसे समय में जब देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में बीजेपी कार्यालय बनाने में लगी है। कोरोना से करोड़ों का नुकसान हुआ है, युवा बेरोजगार हुए हैं, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को कोई मदद नहीं मिल रही है, किसानों के ऋण पर सरकार चक्रवृद्धि ब्याज लगा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश और देश के सभी वर्गों को मदद की जरूरत थी, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड में इकट्ठा हुआ, लेकिन कहां खर्च किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। राठौर ने कहा कि आज जीडीपी माइनस में है, बावजूद इसके बीजेपी आलिशान कार्यालय बना रही है, इसके लिए पैसा कहां से आया इसकी जानकारी दें। जेपी नड्डा इसके बजाय अगर कोरोना प्रभावितों को मदद की घोषणा करते तो अच्छा होता। कंडक्टर भर्ती पेपर लीक होने पर राठौर ने कहा कि इससे सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये पेपर रद्द किया जाना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आया। आज चुनाव में अगर आप देखें, धन बल का पूरा प्रयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बना, हमें कोई आपत्ति नहीं। और आप ऐसे समय में जब देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे समय में जब लोगों को मदद की दरकार है, आप आलिशान पार्टी कार्यालय बना रहे। मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करना चाहूंगा कि नड्डा जी की यही उपलब्धि है। मैं सीधा हिमाचल पे आता हूं, आप 6 जिलों में कार्यालय बना रहे। सामान्य समय होता तो शायद हमें आपत्ति नहीं होती। मुख्यमंत्री जी कहते हैं खजाना खाली है, हिमाचल पे करोड़ों का नुकसान हुआ है कोरोना के चलते। प्रधानमंत्री जी कुछ दे के गए नहीं, हमको बहुत आशा थी। और ऐसे समय में आपने मदद तो किसी की नहीं। करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ पीएम केयर फंड में हुआ, जिसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के कोष में पैसा आया, और हमारी सूचना है, राणा जी मुझे बता रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे कि किस तरह से पंचायतों में कलेक्शन हुई, अधिकारियों ने कलेक्शन की। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे मामले आए, वो पैसा गया कहां। मैं इस अक्षम जो सरकार है उसकी बात करना चाहूंगा कि कंडक्टर भर्ती में पेपर लीक हो गया। अरे क्या सरकार है ये, पेपर लीक हो रहे हैं। पहले पटवारी की भर्ती में घोटाला हुआ, वो उच्च न्यायालय के संज्ञान में, इसलिए मैं कुछ उस पर बोलना नहीं चाहूंगा। उसके बाद पुलिस का घोटाला हुआ, उसके बाद सैनिटाइजर घोटाला, पीपीई किट्स पे घोटाला हुआ, फिर फेक डिग्री घोटाला। इतना बड़ा घोटालों पे घोटाले, घोटालों पे घोटाले, ये तो सरकारी घोटालों की है। आखिर ये चल क्या रहा है? आप घोटालों पे घोटाले कर रहे हैं, और ये जो अभी कंडक्टर भर्ती में जो पेपर लीक हुए, कौन लोग हैं इसके पीछे, ये सब क्यों हो रहा है? ये सरकार बेरोजगारों की मदद नहीं कर पा रही, ये बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही। और ऐसे छात्र परीक्षार्थी जो सक्षम है, जिन्होंने मेहनत की है, तैयारी की है, वो जब मेहनत करके पेपर देने जाएंगे और वहां उन्हें पता लगेगा कि पेपर तो लीक हो चुका है, तो क्या उनके दिल से गुजरे, दिल में गुजरेगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है, इससे कोई आशा नहीं।